उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों में एक ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, क्या अब बीएड यूपीटेट से बाहर हो गया है? क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राइमरी में क्या अब बीएड नहीं रहेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी सामने आएंगे और हमारे भी सामने आए होंगे, और आज हम आपको इस प्रश्न का जवाब इलर्निंग विद दरगेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देना चाहेंगे, जहाँ पर गेस्ट के रूप में मैं अपनी बातें आप तक पहुँचाता हूँ, क्लासेज में आप तक पहुँचाता हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर प्राथमिक में बीएड को सम्मिलित करने का जो एक दायित्व है वो प्रत्येक राज्य सरकार को भी सौंपा गया था, माने राज्य सरकार के पास ये अधिकार है, ये राइट है। ये मामला 2018 के बाद से 28 जून 2018 से लगातार विवादों में रहा है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है, और 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीटीसी के साथ बीएड को भी सम्मिलित कर लिया, जिसको लेकर तमाम तरह की आवाज़ें उठी थी, और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना था कि उत्तर प्रदेश में अब दोनों, चाहे बीटीसी, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, शिक्षा मित्र सब एक साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा करें और गुणांक के आधार पर एकेडमिक और शिक्षक भर्ती परीक्षा के गुणांक के आधार पर वह अंतोगत्वा नियुक्ति पत्र लें। उस आधार पर कई बार रिट पड़ी, तो राजस्थान की जो रिट परीक्षा, एक रिट होता है और जो न्यायालय का, दूसरा जो राजस्थान में रिट परीक्षा हुई थी उसके बाद ये मामला थोड़ा सा तेजी आ गया और ये मामलों की परत दर परत खुलना शुरू हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और उत्तर प्रदेश में भी इस मामले को लेकर फिर से चैलेंज किया गया, लेकिन अब परिणाम आपके सर पे था और यूपीटेट का परिणाम जारी करना था, इसलिए पीएनपी ने जहां पर बीएड के अभ्यर्थी रहे उनके रिजल्ट में जहां पर स्टेटस है वहां पर इस बात का जिक्र कर दिया है, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव अभी तक हाल फिलहाल में नहीं है। फिर से ये गेंद माननीय सरकार के पाले में जा सकती है, क्योंकि फिर से काउंटर लगेगा, एनसीटी अपनी काउंटर लगाएगी, सरकार अपना काउंटर लगाएगा, उसके बाद क्या होगा ये माननीय सरकार के विवेक अनुसार या उनके विवेक पर ही निर्भर करता है। इसलिए आप सब साथी जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करते रहें, अपना बेहतर देते रहें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर बीएड धारी है तो आपके पास ढेर सारे मौके हैं, जैसे एलटी है, आप टीजीटी दे सकते हैं, ग्रेजुएट है तो पीजीटी भी दे सकते हैं और साथ में पीआरटी भी दे सकते हैं, लेकिन जो बीटीसी बीएलएड सॉरी बीटीसी और डीएलएड धारी है वो केवल एक से लेकर पाँच तक दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक खाई है जो तमाम तरह से तमाम बार हमेशा खबरों में अपनी जगह बनाए रहती है, सुर्खियों में अपनी जगह बनाए रहती है, लेकिन आप लोग हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करिएगा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप अपना बेहतर देते रहिएगा, घर पर रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े और आपकी रेस लगातार जारी है। अब इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, परेशान मत होइएगा, धैर्य रखिएगा, जो होगा सभी के लिए होगा, व्यक्ति विशेष, वर्ग, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी एक के लिए नहीं होगा, इसलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिएगा, अपना बेहतर देते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, और आप सभी के लिए मेरे द्वारा ढेर सारी निःशुल्क कक्षाएं इलर्निंग विद दरगेश के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, ये वीडियो फेसबुक पेज पर भी आपके द्वारा मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया होगा, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ, डरिएगा नहीं, क्योंकि जो होगा सबके लोग अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, माननीय सरकार के ऊपर है, वो सरकार क्या करती है, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश विज्ञप्ति नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग डरिए नहीं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बाकी आपकी मेहनत पर ही आपका परिणाम बदलेगा। अगर आपकी एकेडमी कम है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में और मेहनत करिए, थोड़ा सा दम और लगा दीजिए, ताकि आपके अंक गुणांक और आगे हो जाए। Thank you.